भी हो गया। मेरे ख्याल से एक टाइम ऐसा था कि उसकी सोसाइटी में दो दो तीन तीन बजे तक रात को लाइन लगती थी। फिर सोसाइटी के प्रॉब्लम के कारण उसने फिर वो सोसाइटी वाले ने ना बोला, तो अभी तो वो प्रोफेशनल भी हो गए हैं। अमिताभ बच्चन के वहाँ भी उसको बुलाया था, नेचुरोपैथी के बारे में बताया था, और बहुत से सेलिब्रिटी के वहाँ वो भी जाते हैं और कभी कभी उसके वहाँ भी आते हैं। तो अपने को कुछ ना कुछ नॉलेज डेफिनेट मिलेगा। खाने के बारे में भी पूछ सकते हैं, सब बारे में पूछ सकते हैं, मगर वो 7:45 से 8 बजे तक पूछना। 7 से 8:45 बजे तक वो जो बोलते हैं वो शांति से सुन लेना, तो ही अपने को काम में आएगा। तो वो बात ज़रा ध्यान में रखना, क्योंकि बीच पे अगर आप आजू बाजू वाले से बात करोगे तो प्रॉब्लम होएगा। इसके लिए मेरा तो विचार है कि एक लेडीज़ के बाद एक जेंट्स बिताओ, एक लेडीज़ के बाद एक जेंट्स, तो बात नहीं करेंगे। पर इतना जेंट्स लावे कहाँ से? वही प्रॉब्लम है। हरेश भाई का थैंक्स, आप लोगों का भी थैंक्स। आप लोगों को याद होगा कि 2-3 साल पहले आपका पीछे जो प्रोग्राम था उस वक़्त मैं आया था। उस वक़्त मैंने बेसिक नॉलेज दिया था कि मैं सुजोग थेरापी करता हूँ। सुजोग थेरापी मैंने सु मैंने हाथ, जोक मैंने पैर, हाथ और पैर में दी जाने वाली ट्रीटमेंट जो होती है उसे सुजोग थेरापी कहते हैं। मैंने एक्यूप्रेशर आप समझ लो गुजराती में, सुजोग जो है वो अपना थाई लैंग्वेज है, थाई में सुजोग बोलते हैं हाथ और पैर। तो बेसिक तो उस वक्त भी मैंने आपको बोला था क्या खाना है क्या नहीं पीना है। आज मैं आया हूँ इसीलिए क्योंकि लास्ट मंथ मेरे पास फॉरेन से 2 कस्टमर आए, उन्होंने मुझे बुलाया था अलग काम से। जब देखा तो उनको पार्किंसंस था। पार्किंसंस एक ऐसी बीमारी है इसमें आदमी न चल सकता है, न खा सकता है, न बोल सकता है। जैसे जैसे समय जाता है वैसे वैसे वो काफ़ी खराब परिस्थिति में आ जाता है। तो मैंने उनके साथ में 10 सेशन किए। 10 सेशन के अंदर में उनका तकदीर अच्छा था, भगवान की उन पर मेहरबानी थी, उनकी बॉडी ने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया। एक पेशेंट है वो 83 ईयर्स ओल्ड लेडी है और दूसरा जो पेशेंट है वो सिर्फ 56 ईयर्स ओल्ड जेंट्स है। तो जैसे जैसे करते गया वैसे वैसे दोनों में देखा इम्प्रूवमेंट, चलने में, बात करने में, खाने में, हर एक जगह में उनका फर्क दिखने लगा। उनको खुद को भी महसूस होता था कि मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं मेरे जितने ग्रुप हैं, देखो ये डिसीज ऐसा है कि अपन क्योर कर नहीं सकने, कभी नहीं कर सकेंगे, मगर डे टू डे लाइफ जो है उनकी उसमें एक्यूप्रेशर देके हम लोग उनको डे टू डे लाइफ अच्छे से जीने के लिए वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे पास ही कराओ, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं कोई भी है कहाँ पर भी है ऑल ओवर इंडिया, उनको बोल सकते हैं कि आप देखिए ये कॉस्टली अफेयर है। जैसे आप फिजियोथेरापिस्ट कराते हैं तो जैसे रेगुलर जाना पड़ता है वैसे इसमें भी रेगुलर जाना पड़ेगा डे टू डे लाइफ के लिए। तो कोई बाजू में कोई संस्था है या कहीं पर भी उनकी सहूलियत के हिसाब से मिल सकता है ट्रीटमेंट, तो आप उनको आप बोल सकते हो कि इससे आप लोगों को अच्छा डे टू डे लाइफ आप अच्छे से जी सकते हो। और हर एक का बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कितना रिस्पॉन्ड करता है। अभी इनका दोनों जो है ओल्ड एज लेडी थी उनको राइट साइड का पैरालिसिस 2020 लॉकडाउन में ही आया था, मगर फिर भी उनकी बॉडी ने मुझे अच्छा रिस्पॉन्ड दिया। ये जो लड़का है वो 56 इयर्स ओल्ड है, यंग है, 5 साल से उसको पार्किंसंस है, तो भी उसने बॉडी उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया।
तो मेरा मानना ये है कि जितने भी लोग हैं जो डिप्रेस हो जाते हैं, और हमारे में कैसा है, जैसे इन लोगों के साथ मैंने बात की थी तो ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर ने बोला कि अभी आगे जाके ये प्रोग्रेसिव है, और ख़राब होगा। तो इंसान क्या करता है कि भाई खराब ही होने वाला है तो मुझे ये क्यों कर रहा है, क्यों मैं मेरा पैसा वेस्ट करूँ। मगर थोड़ा पैसे खर्चे करने से डे टू डे लाइफ आपका इम्प्रूव हो रहा है, तो मेरा मानना ये है कि आप कोई भी है कराना चाहे कहीं भी नहीं भी करावे, किसी को फोर्स नहीं करना है आपको। आप एक एडवाइस दे सकते हैं कि एक्यूप्रेशर से काफ़ी फायदा होता है। हालांकि ये पार्किंसंस में जो सोसाइटी है, डॉक्टर सिंगल है जो बॉम्बे हॉस्पिटल में है, उनका पार्किंसन सपोर्ट ग्रुप चलता है ऑल ओवर इंडिया में, तो बॉम्बे में भी काफ़ी जगह पे 8 से 10 जगह में उनका सपोर्ट ग्रुप चलता है। उनकी जो डॉक्टर है उसका नाम है डॉक्टर बरेटो, तो उनके ग्रुप में भी आप जा सकते हो, मगर वहाँ पर एक्यूप्रेशर नहीं हो रहा है। मेरी डॉटर जो थी उसने 7 साल ऑनररी पार्किंसन सोसाइटी में काम किया था, वो डांस मूवमेंट थेरापिस्ट है। तो ये जो पार्किंसन ऐसा बीमारी है जो ब्रेन सेल्स डेड हो जाता है वो कभी रिवर्स नहीं होता, और ब्रेन सेल्स का काम है डोपामिन प्रोड्यूस करना। जो डोपामिन प्रोड्यूस नहीं होता है, डोपामिन का काम है अपनी बॉडी में सिग्नल देना, एनर्जी लेवल ठीक रखना, मेंटेन करना, मगर वो आपको सप्लीमेंट लेना पड़ता है। सप्लीमेंट में भी ऐसा है कि जैसे डॉक्टर आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डोज देंगे, मगर उसका एफिकेसी रहता है 2.5 आवर्स का, और आपको समझिए 8 घंटे बाद संभाई बताने पाचली रो वाला ने संभाई चलो समझो 8 घंटे के बाद दूसरा गोली लेना है, तो आपका 3 घंटे के बाद में बॉडी वापस ठीक होना शुरू हो जाएगा, तो आप क्या करोगे। तो ये एक्यूप्रेशर जो है उससे आपका बॉडी जो स्टीप होता है, फ्रीज होता है, उसको आप ब्लड सर्कुलेशन देके, ब्लड सर्कुलेशन अगर चालू रहेगा तो बॉडी आपका फ्री रहेगा। तो ये आपको समझना है कि क्यों होता है, ये भी एक साइंस ही है, कोई मंत्र तंत्र नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर आप लोग समझते हो मिरेकल है, मिरेकल कुछ भी नहीं है। दूसरा, इन्होंने एक पॉइंट बोला था वर्टिगो। सबसे पहले वर्टिगो जो होता है वो एक डायग्नोसिस करने का चीज़ है कि एक वर्टिगो है कि दूसरा कुछ है, क्योंकि चक्कर आता है बहुत तरह से आता है, जैसे बीपी लो होना, शुगर का कम होना, या खाली पेट रहना। तो ये जो चक्कर तो पहले तो डायग्नोसिस कराना जरूरी है डॉक्टर से कि मुझे चक्कर क्यों आ रहा है। अगर इन समझना चाहिए कि मेरा किडनी में फंक्शन कम हो रहा है, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, क्योंकि काफी लोगों को यूरिक एसिड होता है उसकी वजह से किडनी अफेक्ट होता है, किसी को क्रिएटिनिन ज्यादा है तो भी किडनी अफेक्ट होता है, जो डायबिटीज का टेबलेट खाते हैं उसकी साइड इफेक्ट से भी होता है, बीपी का टेबलेट खाते हैं उसी की वजह से भी होता है। तो जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है, जितने समय तक हम लोग टेबलेट लेते हैं तो साथ साथ में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देखी जाती है मेडिसिन। तो ये भी आपको अपने आप में चेक करना है, जिस तरह से आप लोगों की एज है, तो मेरा मानना है कि आप सभी को हर साल ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, और मेरे हिसाब से अगर आपके पास फाइनेंस की कमी नहीं है तो 12,500 का जो पैकेज आता है वो पूरा टेस्ट करा लेना चाहिए, उसी से आप बच सकते हैं। बचने का मतलब है 12,500 खर्चा जो किया है उससे आप लाखों के खर्च में बच सकते हैं, क्योंकि एक बार बीमारी, सर्टन बीमारी ऐसी है जो रिवर्सिबल नहीं है, जो आ गई आ गई, एक ऑर्गन जाता है उसकी दवाई लेते हैं, दूसरा ऑर्गन उड़ा देता है। तो वर्टिगो जो होता है, स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है, जो हमारी सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड है,
वहाँ पे नोज कंप्रेशन की वजह से अभी हमें चक्कर आते हैं। तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस वाले को ज़्यादा चक्कर आते हैं, और वर्टिगो में भी कैसा है कि पोजिशनिंग वर्टिगो रहता है। समझो मैंने इस बाजू गर्दन घुमाया तो मुझे चक्कर आता है, मगर मैंने इस बाजू घुमाया मुझे चक्कर नहीं आता। मैंने ऊपर देखा तो चक्कर आता है, मगर मैं नीचे देखता हूँ तो चक्कर नहीं आता है। कभी हम हाई राइज बिल्डिंग में गए, ऊपर से नीचे देखते तो चक्कर आता है। अभी जैसे टर्निंग है, गाड़ी में जा रहे हैं, जैसे टर्निंग है तो आपको चक्कर आता है, बाकी सीधी गाड़ी जा रही है आपको चक्कर नहीं आ रहा, तो उसे पोजिशनिंग वर्टिगो बोलते हैं। तो वर्टिगो का मेन रीजन है स्पॉन्डिलाइटिस। आपकी सर्वाइकल ब्रेन में कहीं ना कहीं नर्व्स कंप्रेशन है, उसी की वजह से आपको वर्टिगो होता है। अभी आपको डॉक्टर देंगे वर्टिन 8 वर्टिन 16, जिस हिसाब से आपको चक्कर आते हैं उस हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। अभी काफ़ी नई दवा भी आ गई है, पहले सिर्फ वर्टिन ही मिलती थी, अभी तो बहुत सारी मेडिसिन है। मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैं प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ आपको, मगर काफ़ी दवाई आ गई है, लोग डॉक्टर देते हैं, मगर वो एक टेम्पररी रिलीफ है। बेस जो है आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, परफेक्ट सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वो आपको ठीक कराना जरूरी है। आप फिजियो से कराओ, एक्यूप्रेशर से कराओ, एक्सरसाइज करो, या फिर हमारे जैसे कोई ट्रीटमेंट देने वाले जो है उनसे ट्रीटमेंट कराओ। वर्टिगो के अंदर में मैंने मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जितने मेरे घर पर आते थे उन लोगों को ज़्यादातर देखा मैंने, एसिडिटी बढ़ जाती। जब जब ऐसा कुछ समझो, आज मैंने ठीक कर दिया आपको, समय निकल गया, 2 साल निकल गया, आपने 2 साल तक अपने आपको परहेज में कंट्रोल किया, अगर अभी इंसान है सेट गर्मा गर्म खिला रहे हैं तो गर्मा गर्म जो खाया उसमें कभी 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 एसिडिटी हो जाती है। जिस दिन एसिड का प्रपोर्शन बढ़ जाता है, जैसे हरेश भाई ने तो आज गर्मा गर्म खाया, घर में गए आपको आज शाम को फर्मेंटेड आइटम खाने का बहुत शौक है, तो आज कुछ कंटाला आता है कुछ करने को, तो सहकारी भंडार गए खीरू लेके आए, बना दिया आज इडली, फिर 2 दिन फ्रिज में रखा, आज बना दिया डोसा, वापस रख दिया फ्रिज में, 1 किलो लेके आए थे वापस बना दिया उत्तपा। तो हफ्ते में 5-6 दिन 7 दिन हम लोग ज़्यादातर गुजरातियों के घरों में मैंने देखा है, हमने तो परतू परतू खाऊ छे, हमने रोटली दाल भात साग सावर साग होता नहीं। तो ज़्यादातर होता है मैदे की चीज़ या फर्मेंटेड आइटम, तो उसमें ऐसा प्रोपोजिशन होता है कि एक्यूमुलेट होने से धीरे धीरे आगे जाके आपका बॉडी में एसिड बढ़ने से आपके शरीर में भरने लगता है। तो जो वीक पार्ट होता है बॉडी के अंदर, जो भी जॉइंट्स में, जो भी जॉइंट्स आपका वीक होगा वहाँ जाके वो जमा हो जाएगा। तो जैसे आपका गर्दन में स्पॉन्डिलाइटिस है, मगर आपने कभी निग्लेक्ट किया, आपने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, अरे ये तो कंटिन्यूस होता ही है, अभी रोज रोज क्या बोलूँ मैं सबको। तो ज़्यादातर लेडीज लोग बोलती नहीं है, और अपने को घूमना है फिरना है खाना है तो शांति से बैठ जाती है, नहीं नहीं हूँ तो बराबर छू, हूँ तो बराबर छू। दूसरा होता है हस्बैंड का पैसा बचाना, फिजियो में जाऊँगी 1200 ले लेगा, 1000 ले लेगा, 500 ले लेगा, क्यों देना। और उनको ऐसा लगता है ये ठीक होने वाला ही नहीं है, मगर ये ठीक होता है। स्पॉन्डिलाइटिस भी ठीक होता है, स्लिप डिस्क भी ठीक होता है, साइटिका भी ठीक होता है, ऐसा नहीं है कुछ भी ठीक नहीं होता है, सब कुछ ठीक होता है, मगर आपको डिसिप्लिन लाइफ में लाना पड़ता है, आपकी तैयारी होती है। देखो डॉक्टर बैठा है आदमी को ठीक करने को, मगर आदमी को खुद को अंदर से होना चाहिए मुझे ठीक होना है। दूसरी बात है, हर एक चीज़ में एक समय लगता है ठीक होने में, वो समय अपने को देना है। ये जो सारी बीमारी मैंने बताई इसको आर्थराइटिकल पेन बोलते हैं, एसिड भर गया मैंने आर्थराइटिस, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ आर्थराइटिस। और जो भी आर्थराइटिस है वो शरीर में आता है इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज।
ऑटो इम्यून डिसीज की दुनिया में कोई दवा नहीं है, एनी ऑटो इम्यून डिसीज दुनिया में कोई दवा नहीं है। जैसे स्किन डिसीज का इन्होंने जिक्र किया है, तो स्किन डिसीज क्या है, सोराइसिस क्या है, ये जो सारी चीज़ें हैं सब ऑटो इम्यून है, और ऑटो इम्यून का डिसीज का कोई दवाई नहीं है। आपको कभी भी ठीक नहीं होने वाली है दवाई खा खा के। आपका ऊपर से दूसरे ऑर्गन सब खराब हो जाएंगे, मगर आपकी बीमारी कभी ठीक नहीं हो पाएगी। तो आप लोगों को ये समझना है कि अपनी बॉडी की जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी ऊपर से भगवान भी आएगा नहीं बदली कर सकेगा। टेंडेंसी आप अपने हेरिडिटरी में लेके आते हैं, अपने माँ बाप से लेके आते हैं, मैटरनल या पेटरनल से लेके आते हैं, तो वो कोई भी बदली नहीं कर सकता। तो आपकी टेंडेंसी क्या है, आपको प्रॉब्लम क्या होती है। जैसे बोलते हो कि मुझे आज एसिडिटी जैसा लग रहा है, तो मैंने आपको एसिडिटी है, तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिससे आपको एसिडिटी होती है। ऑलरेडी वो एसिड जनरेट होते ही रहता है 3-3 घंटे में, तो आप वापस अंदर फर्मेंटेड डालोगे तो उसके अंदर ऑलरेडी एसिड है, वो एसिड को एक्यूमुलेट करता है, आपकी एसिडिटी को और एग्रेवेट करता है और आपको प्रॉब्लम देता है। जैसे किसी को वात का प्रॉब्लम है, तो उसको वैसा चीज़ नहीं खाना है जिससे वात बने। तो बेसिकली क्या होता है कि आपको उतना ही खाना है कि जितना आपसे डाइजेस्ट हो, और जब भूख लगे तब आपको खाना है। भूख में भी भगवान ने ऐसा बनाया, हमारा बॉडी जो है फुल्ली ऑटोमेटिक है। आप अपने बच्चे लोगों को भी सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं कि भाई देखो भगवान ने ये जो मशीन दिया है फुल्ली ऑटोमेटिक दिया है, अगर आप उसको सही नहीं रखोगे तो वो बिगड़ेगा और वो रिवर्स नहीं होता है, क्योंकि वो मशीन उसने बनाया है। समय पे खाना, समय पे सोना, और दूसरा है भगवान ने 3 चीज से अपना शरीर बनाया है, जल वायु अग्नि। जल हमें मिल रहा है, वायु फ्री में मिल रहा है, अग्नि जो है वो सूरज भी देता है, और हम खाना खा के भी हमारे स्टमक से अग्नि को जनरेट कर सकते हैं। बिना जो आपका समय फिक्स करोगे खाने का, उसी समय में आपको खाना है, क्योंकि आपका जो माइंड है वो उसी समय में लिवर को सिग्नल देता है कि ये बंदा 12 बजे खाने वाला है, तो 11 बजे लिवर जो होता है वो सीक्रेट प्रोड्यूस करने लग जाता है। 12 बजे बोलेंगे तो इतना जलता है वो अंदर, उसी समय में अगर आप खा लोगे तो आप पत्थर भी खाओगे तो डाइजेस्ट हो जाएगा, मगर आप 1 बजे खाओगे तो 70% तक का डाइल्यूट हो जाता है, और 1:30 बजे पूरा डाइल्यूट हो जाता है। हम कभी कभी क्या करते हैं, 12 बजे खाते, कभी 2 बजे खाते, अरे यार ये काम ख़त्म करूँ बाद में खाऊँगा। हालांकि घर के अंदर में जो लेडीज रहती है वो ज़्यादा इरेगुलर रहती है, घर के अंदर रहने के बावजूद भी समय पे नहीं खाती। और मेल और फीमेल दोनों का जो बॉडी है वो अलग अलग है, फीमेल की प्रॉब्लम अलग आती है, जेंट्स में कम आती है। तो लेडीज़ों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हमेशा ध्यान रखें, हस्बैंड के पैसे ना बचा के डॉक्टर को नहीं देना, उसके पैसे वेस्ट हो जाएंगे चलेगा, मगर डॉक्टर को नहीं देना। अब माइंड में नक्की करो कि मुझे डॉक्टर को पैसा नहीं देना। जो मेरे घर में जितने भी आते थे देखता था, थोड़ा बचा अरे खा लो फेंकने में जाएगा, अरे भाई तुम्हारे पेट में जगह नहीं है जो बच्चा क्यों खाना है। अभी बड़े बड़े फ्रिज आ गए तो आज का रख दिया अंदर। और मैं सभी माता बहनों को नमस्कार करता हूँ, ना अपने हस्बैंड को खिलाती है ना अपने बच्चे को खिलाती है, दूसरे दिन वो खुद खाती है, मैंने बासी खाना वो खाती है, तो बीमारी उसी को पकड़ती है। क्योंकि मेरे घर में जितने आते थे उसमें से 70-80% लेडीज थे, 20-30% ही जेंट्स थे। तो एक वक्त एक लेडीज़ ने पूछा ऐसा ऐसा क्यों है, तो मैंने जस्ट जोक मार दिया, मैं बोला लेडीज होती है ना ईर्ष्यालु होती है, वो 4 चोटला जब मिलते हैं तब दूसरे का घर उजाड़ते हैं। तो सब लेडीज भड़क गई मेरे पे, बोलते सीरियस बोलो,
फिर मैंने बताया कि देखो आप लोग ये गलती करते हो, उसका फल आपको ही भुगतना है। यह खाना नाप के बनाओ कि मेरा हस्बैंड 5 चपाती खाता है तो उसके लिए 5 ही बनाना है, ताकि फेंकने में न जाए, हस्बैंड का पैसा ना खराब हो। मगर किसी किसी का दिल बहुत बड़ा होता है, वो ज़्यादा ही खाना बनाते हैं कि कोई एक दो जन मेरे घर में आएगा तो आराम से एडजस्ट हो जाएगा, तो वो खाना जो बचता है वो लोग खाते हैं। तो हो सके तो गरम गरम खाओ, गर्मा गर्म ऐसे भी आरएस भाई खिला रहे सबको, तो गरम गरम खाओ। आप लोग घर में रहने के बावजूद भी आप लोग नहीं खा पाते हैं। हमारे जेंट्स का तो छोड़ो, जेंट्स को पूछता था और बोलता है टिफिन लेके जाता हूँ, कभी 3 बजे खाता हूँ, कभी 4 बजे खाता हूँ, तो कभी कोई किसी का टाइम होता नहीं है। बाद में बोलते मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। तो ज़्यादातर सबको प्रॉब्लम इसी वजह से आता है। तो आप लोगों को समझना है, मैंने शॉर्ट में सब बता दिया है आपको कि आप लोग अभी वो एज की कगार में हैं, जितनी दवाई खाओगे उतने दुखी हो जाओगे। आपका बॉडी तो टिक पाएगा, साइंस बता रहा है 72 ईयर्स का एज कर दिया हमने 50 से, मगर वो लोग किस तरह से किया है कि आपको टिका रहे। गोली खाओ जिंदा रहो। तो आपको ये सोचना है कि मैं अच्छा खाना खाऊं, पौष्टिक खाना खाऊं, कम खाऊं, मेरा जितना डाइजेस्ट होता है उतना ही खाऊं। डाइजेस्ट करना भी आपके हाथ में है, जैसे यहाँ पे 1 घंटा चलते हो 1.5 घंटा चलो, ज़्यादा मेहनत करो। अभी हम लोग घर का काम करते हैं, हमें लगता है हम बहुत मेहनत करते हैं, मगर घर के अंदर में उतना मेहनत नहीं होता है कि अपना खाना डाइजेस्ट हो। तो आपको उसको डाइजेस्ट करो और बिंदास खाओ। मगर हम लोग अभी वो पोजीशन में नहीं है कि उतना काम नहीं है हमारे पास, तो अपने को उतना ही खाना है कि जितना हमें डाइजेस्ट होता है। अपना डॉक्टर हमें खुद ही बनना है कि मैंने इतना खाया, मेरा पेट एकदम क्लियर हुआ, मेरे को कल से इतना ही खाना है। अगर आप उस पोजीशन में आ गए, भले महीना लगे आते आते, मगर महीने के बाद में आपका एक पोर्शन बन जाएगा कि मुझे इतना ही खाना है। भले 100 ग्राम पचता है, 100 ग्राम ही खाओ, जो पचेगा तो आप में ताकत आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने कम खाया तो आप में एनर्जी लेवल नहीं रहेगा, जितना खाया है जो पचेगा उतना तो आप में एनर्जी लेवल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आपकी बॉडी को उतना ही रिक्वायरमेंट है। अभी बोलिए, कोई किसी को कोई डिसीज के बारे में जानना है, पूछना है? हाँ, देट इज ड्यू टू स्पॉन्डिलाइटिस, जो नर्व कंप्रेशन आ जाता है ना, उसकी वजह से कान में जो लिक्विड होता है वो इम्बेलेंसिंग हो जाता है, तो उसकी वजह से अपने को रिंगिंग साउंड आता है, या जो रात में तमरा बोलते हैं वैसे के वैसी आवाज आती है कान में। नहीं नहीं, कहीं ना कहीं नोज कंप्रेशन तो रहेगा ही रहेगा सर, उसके बगैर देखिए, जैसे ये जो पोर्शन है पूरा, ये कहीं ना कहीं अपने कानों के अंदर में यहाँ पे नोज दबती है। सर्वाइकल अपना स्पाइनल कोड इधर है, मगर ये पोर्शन जो है यहाँ की स्वेलिंग की वजह से या यहाँ की स्वेलिंग की वजह से कहीं ना कहीं नोज कंप्रेशन होती है, तो उसकी वजह से होता है। मैंने वो तो सेंटर में जब जाएंगे जब मालूम हो जाएगा। वो पॉइंट अगर जानना है कि क्या मैं करूं तो मुझे ये ठीक होगा, उसका सेशन अपन 15 मिनट में लेते हैं। अभी जैसे आर्थराइटिस, मैंने बताया कि ऑटो इम्यून आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस क्यों होता है? ड्यू टू हमारा इरेगुलर लाइफ, जो हमने बचपन से लेके आज तक इरेगुलर खाया, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम वीक हुआ, तो हमारी बॉडी में जॉइंट पेन वगैरह शुरू हो गया। अभी मेरे 2017 में जब मिड डे में मेरा आर्टिकल आया था, उस वक़्त मेरे घर पे एक लड़की आई थी कांदीवली से। वो लड़की जब 34 ईयर्स की थी तब उसे आर्थराइटिस लगा। जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि यू हैव टू टेक 32,000 रुपीज़ 1 इंजेक्शन एवरी वीक।
तो वो जो इंजेक्शन जो था बेचारी लेते लेते जब मेरे घर पर आई थी तब 38-39 की थी। पहले डॉक्टर ने बोला था 2 साल के लिए लगेगा, कंटिन्यूस लेना पड़ेगा, मगर उसको 4 साल हो गए। तो उन्होंने मेरा मिड डे में आर्टिकल पढ़ा और मेरे घर पर आए थे। वो लड़की को मैंने पूछा कि भाई तेरे को ऑटो इम्यून डिसीज क्यों हुआ? अपने आप में डाइटिंग करती थी, ब्यूटीफुल थी, स्लिम थी, टॉल थी, तो अपने आप को मेंटेन करने में, उसने डाइटिंग करने में बॉडी में इम्यूनिटी जो थी वो ख़त्म कर दी, तो उसकी वजह से बेचारी को आर्थराइटिस आ गया था। तो मैंने बोला मैं 21 शर्त पे ट्रीटमेंट करूँगा तेरा, मैं जो बोलूँगा वो खाना पड़ेगा। तो बोली कि ओके फाइन मैं खाऊँगी। जब मैंने लिस्ट बना के दिया तो सबसे पहला उस लड़की का सवाल था, मैं मोटी तो नहीं हो जाऊंगी? मैं बोला भाई तेरे को मोटी होना टेंशन है कि इससे निकलना टेंशन है? निकलना जरूरी है इससे, थोड़ा वेट पुट ऑन होगा तो बाद में हम कम कर देंगे, मगर पहले ठीक तो हो जाओ। पहले बोलती है शुरू में क्या बोलना चाहिए, मुझे ठीक होना है, मगर ये बोलता मैं मोटी तो नहीं हो जाऊंगी। तो उसका डाइट मैंने चेंज किया, उसने फॉलो किया, तो भगवान की मेहरबानी उस पर भी थी। वो अप्रैल 15 को रिपोर्ट निकल के आई, उसके डॉक्टर ने बोला आज से तेरा सब इंजेक्शन बंद, नाउ आई विल पुट यू ऑन 1 टैबलेट ओनली, पर डे 1 टैबलेट खाना है। तो उसके हस्बैंड का कम से कम 1,40,000 हर मंथ का बच गया। तब उसकी आंख में पानी था, बोले अंकल अभी मेरे घर में मेरे बच्चे के लिए कुछ लाना है तो हम लोग ला सकेंगे। आज वो लड़की को 4 साल ऊपर हो गए, 5 साल में 5वां साल जा रहा है। सी नेवर कम बैक टू मी फॉर द ट्रीटमेंट, भगवान की उस पर मेहरबानी है, वो क्योर हो गई। अभी उसे न जॉइंट पेन है न कुछ है। उसकी कंडीशन ये थी, अगर वो लड़की के मुंह से आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे, उसको बिस्तर में दोनों हाथ से उसको पलटाना पड़ता था, ऐसी कंडीशन थी उसकी। तो जब आर्थराइटिस जो है वो ऑटो इम्यून डिसीज है, आपको उतना ही खाना है जितना डाइजेस्ट हो सके, उसमें काफ़ी परहेज है। दूसरा होता है यूरिक एसिड की वजह से भी आर्थराइटिस आता है, तो आपको दाल वगैरह भी परहेज करना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट 70% आपका खाने का जो पोर्शन है वो कम हो जाता है। तो परहेज के लिए तैयार रहना पड़ता है तभी जाके क्योर होता है। पर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ। अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है? सब लोग काढ़े पीने लग गए, ये पीने लगे, रातों रात कभी भी इम्यूनिटी बढ़ती नहीं है। काढ़ा बहुत अच्छी चीज़ है, काढ़ा पीना भी चाहिए, मगर सिर्फ काढ़े से काम नहीं चलता है। हम लोगों को इतना ही खाना है जितना डाइजेस्ट हो, जो डाइजेस्ट होता है उसी से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इम्यूनिटी बूस्टर पीने से इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होती है। उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है, आपको लिख के भेज देंगे इम्यूनिटी बूस्टर, मगर इम्यूनिटी बूस्टर आपको इम्यूनिटी उससे नहीं मिलती। जितना डाइजेस्ट होता है उससे ब्लड बनता है और अपने में इम्यूनिटी अपने आप आती है। आपको ये बात कोई नहीं बताया गया क्योंकि सबको अपना अपना प्रोडक्ट बेचना है, नहीं अगर आप लोग ये सब नहीं खाओगे तो डॉक्टर का दवा खाने में कौन जाएगा? तो इसी वजह से आपको आर्थराइटिस आता है। अभी इन्होंने बताया था फ्रोजन शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर 2 चीज में आता है, एक नॉर्मल आता है, एक डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनको आता है। जब भी फ्रोजन शोल्डर वाले आते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर का क्वेश्चन वही होता है कि डायबिटीज है क्या? डायबिटीज वाले को इसीलिए आता है क्योंकि उसकी अंदर का जो एनर्जी लेवल होता है, जो मसल्स पावर होता है, वो वीक हो जाता है। तो रेगुलर बेस में अपने को अपना एक्सरसाइज करना है, उसको फ्री रखना है। जितने भी जॉइंट्स है, आप लोग पर भगवान की मेहरबानी है, आप लोग सुबह में इतने जल्दी उठ के आते हैं,
मैं आपको लेक्चर तो दे रहा हूँ मगर मैं खुद नहीं उठ पा रहा हूँ क्योंकि मैं रात को लेट सोता हूँ। क्योंकि मेरे घर में 20 साल तक जितने भी पेशेंट आए मैं हफ्ते में 3 दिन 8:30 से सुबह 5 बजे तक ट्रीटमेंट देता था। तो मेरा जो साइकिल था वो सोने के लिए लेट हो गया और अभी मैं ट्राई भी करता हूँ तो भी मुश्किल से 1:30-2 बजे तो नींद आती है मगर उससे पहले नहीं आती है। हरेश भाई ने काफ़ी टाइम बोला कि मेंबर हो जाओ आओ आप भी, मैं बोला हरेश भाई मेरे से सवेरे उठा ही नहीं जाता है जो तो मेरी नींद कंप्लीट नहीं होती। ये जो आप देख रहे हैं वो दारू का नहीं है, ये नींद कंप्लीट नहीं होने से ये जो सूजन वगैरह है मेरे को आ गया था और उसी की वजह से मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ और मेरे एक्सटेंड भी है। हालांकि मैं न ऐसा कुछ खाता हूँ जो मैंने आपको बोला, मैं खुद भी नहीं खाता हूँ। मैं न तला हुआ खाता था न मैं फर्मेंटेड इतना खाता था। हालांकि वी आर बेसिक फ्रॉम साउथ, हूँ गुजराती और हमारे पिताजी जो थे 40 साल साउथ में रहे तो हमारे कोई इडली डोसा वगैरह चलता नहीं है सुबह ब्रेकफास्ट में, मगर फिर भी मैं नहीं खाता था। तो मैं जो आप लोगों को बोलता हूँ मैं खुद पालता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं होटल में भी जाता हूँ, मेरा ग्रुप है, मेरी लड़की है, सब है घर में, तो होटल में जाना पड़ता है मगर मेरा सिंपल फूड रहता है कर्ड राइस सलाद एंड सूप, मैं उसको छोड़ के कुछ नहीं खाता। आप पूछोगे नवरत्न कुर्मा कैसा है, पालक पनीर कैसा है, तो अगर बोलो टेस्ट करोगे तो मुझे पता नहीं है कैसा होना चाहिए। घर में बनता है मगर टेस्ट कैसा होना चाहिए मुझे नॉलेज नहीं है क्योंकि आई एम नॉट फूडी, मुझे पता नहीं चलता है कि कैसा होना चाहिए। तो आप लोगों से ऐसी इतनी रिक्वेस्ट है कि अभी आपकी एज हो रही है, आप अपने आप में कंट्रोल करो, जितना कंट्रोल करोगे उतना डिपेंडेंट कम बनोगे। देखिए मसल्स के लिए प्रोटीन जरूरी है, सबसे पहले ये देखो कि आपको यूरिक एसिड है कि नहीं है, अगर है तो मत खाइए, उतना ही खाइए जितना डॉक्टर आपको बताएगा। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब आप यंग है जब यूरिक एसिड नहीं है तब प्रोटीन तो खाते हैं मगर हमारी मिस्टेक एक ही हो जाती है कि हम लोग पानी कम पीते हैं। जब आप प्रोटीन खाते हैं तो कम से कम आपको 4 लीटर पानी दिन में पीना जरूरी है क्योंकि प्रोटीन को बाहर जो डिटॉक्स करना है वो किडनी करती है और बिना पानी पिए किडनी फंक्शन नहीं करती प्रॉपर, इसकी वजह से अपने शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है। अभी मेरे घर के बाजू में पावर हाउस जिम था, वहाँ पे जो लड़की बैठी थी उसने सबको बोला कि भाई आप वे प्रोटीन खाओ और पानी भी पी, मगर जो बच्चे आते थे वो पानी नहीं पीते थे। तो एक लड़का जो था चार्टर्ड अकाउंटेंट था, 26 साल का था, उसका शादी 24 जनवरी 2015 में हुआ था। बॉडी बनाना है सलमान बनना है, सबको सलमान बहुत पसंद है तो बनना है। उसने पानी नहीं पिया क्योंकि वो दिन में 2 ही बार, मैंने उसकी वाइफ को पूछा कि भाई ये दिन में यूरिन कितनी बार जाता है, तो बोलता है 2 बार 3 बार ही जाता है, मतलब पानी नहीं पीता था, तो बोलता है नहीं। उसका अगस्त 28 तारीख को दोनों किडनी फेल हो गया, 26 ईयर ओल्ड, 8 महीने का शादी हुआ था। गलती हम लोग करते हैं, मैंने बताया जल वायु अग्नि ये तीनों से अपना शरीर बना है। अपनी बॉडी में पानी कम होगा, डिहाइड्रेट होगा तो आपके सभी ऑर्गनों को इफेक्ट करेगा, तो पानी जरूरी है। मिनिमम 3 लीटर मैक्सिमम 4 लीटर पियो आप, आयुर्वेद तो 6 लीटर बताता है मगर हमारे पास 16 घंटे हैं, 16 घंटे में हम 3-4 घंटे पानी नहीं पीते हैं, 12 घंटे पीते हैं, तो 12 घंटे में 1-1 घंटे में कम से कम 250 ml पिए ताकि 3 लीटर 4 लीटर जाए। उसमें एनी फॉर्म ऑफ लिक्विड आ जाता है, ओनली पानी नहीं, जैसे बटर मिल्क पीते हैं आप, लेमन जूस पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं, इन एनी फॉर्म ऑफ लिक्विड यू हैव टू टेक 3 से 4, 3 to 4 लीटर। चाय भी चलेगा नहीं? चाय 50 ml होती है। नहीं, एक बार में थोड़ा होता है।
मैं घर वो तो बाद में शुगर पे आओगे कि भाई शुगर हो गया, दिन में 5-6 बार चाय हो जाता है। फ्रोजन शोल्डर का मैंने बताया, एक तो एक्सरसाइज है आपकी, जो यहाँ की स्पॉन्डिलाइटिस की जो नर्व्स है, अगर राइट एंड में आता है तो आपका C4 C5 गया हुआ है, अगर लेफ्ट एंड में आया है तो आपका C1 C2 गया हुआ है, तो आपको उसको क्योर करना है, न कि फ्रोजन शोल्डर को क्योर करना है। सबसे पहले आपका ये क्योर होगा, क्योर होगा सर्वाइकल, तब जाके आपका सर्कुलेशन आपके हाथ में आएगा तो आपका ये जॉइंट खुलेगा। दूसरी बात है, मैंने काफी पेशेंट में देखा था, जब मैं यहाँ पे प्रेस करता था यहाँ पे, ये जो पार्ट पोर्शन है, जो आपका हाथ ऐसे नहीं होता है या ऐसे नहीं होता है, तो ये जो पोर्शन होता है वो इतना ही होता है ऐसा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जाम है, तो मैंने देखा था जैसे वहां दबाता था मैं तो वो डकार खाते थे, मैंने उस वक्त गैस जो था बॉडी के बाहर निकलता था, तो ज्यादातर आर्थराइटिस भी भर जाता है, तो गैस वगैरह भर जाती है जो बाहर निकालना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको ये क्योर करना है तो भी जाके आपका फ्रोजन शोल्डर होगा। नॉर्मल एक्सरसाइज आप फिजियो में भी जाओगे तो आपको 5-6 एक्सरसाइज बता देंगे, दरवाजे को ऐसा करो, हाथ को ऐसा करो, हाथ को ऐसा करो, ये सब एक्सरसाइज बता देंगे, फिर हाथ को पीछे लेके जाके किसी की भी मदद ले लो घर में, उसको बोल मेरा हाथ पीछे से ऐसे ऐसे खींच, ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर, तब जाके आपका हाथ यहाँ तक जाएगा। तो फ्रोजन शोल्डर में सबसे पहले तो आपको खान पान चेंज करना है, फर्मेंटेड वगैरह नहीं खाना है, स्पाइसी नहीं खाना है, मैदे की चीज़ें नहीं खानी है। मगर आज आप कहीं पर भी बाहर चले जाओ तो आपको मैदे का ही आइटम मिलेगा, चाहे आप कोई भी गली में जाओ, कोई भी ठेले पे जाओ, हर जगह मैदे का चीज़ है। दूसरा है पाम ऑयल, पाम ऑयल है सबसे डेंजर है, सबसे ख़राब है, उससे कैंसर भी होता है। मगर हमारे घर में पहले हमारे जो बुजुर्ग थे वो घर में नाश्ता वगैरह बनाते थे, और आज हम लोग रेडीमेड लेके आते हैं, जो रेडीमेड लाते हैं उसके अंदर में पाम ऑयल रहता है, पाम ऑयल हम अपने बच्चे को खिलाते हैं, वो एक्यूमुलेट होते होते एक रात में कुछ नहीं होगा, आप अभी एक पीस ले लोगे कुछ नहीं होगा, मगर आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता है बॉडी के अंदर। डॉक्टर फॉरेन में जो डॉक्टर बोलते हैं आफ्टर 40 यू टू टेक सप्लीमेंट, आपको हर घर में विटामिन मिलेगा। यहाँ पर इंडिया में देखो तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का विटामिन का टेबलेट बिकने लग गया है, मगर हमारे इधर हमारा इंडिया इतना अच्छा है, इतनी 3 ऋतु हैं जो फॉरेन में नहीं है, हमारे यहाँ हर तरह का फसल होता है, हर तरह की दाल होती है जो आपको फॉरेन में कहीं नहीं मिलती। हम 12 महीना सब चीज़ खाते हैं, भले फ्रोजन है मगर हमें सब चीज़ घर में खाने को मिलता है, मगर हम रेडी नहीं हैं। तो आप घर में बनाओ, पाम ऑयल की चीज़ें मत खाओ, कौन सा आटा डालते हैं, किस में मैदा डालते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये चीज़ में मैदा है। तो आपको खुद को तय करना है कि आपको क्या खाना है, किस तरह से खाना है, कब खाना है, आप ही को नक्की करना है कि आप इतने बजे खाओगे, इतना पानी पियोगे, तभी जाके आपका स्वास्थ्य विदाउट मेडिसिन आप ठीक हो सकते हो। मगर ठीक होने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक रहने की भी इच्छा होनी चाहिए। बोले यार कभी तो चलता है, यार कभी तो चलता है, इंसान हो इच्छा तो होगी, मगर अगर इच्छा पे जिसने काबू पा लिया वो यहीं पे मोक्ष पा लेता है। सर ये फर्मेंटेड से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? फर्मेंटेड माने एसिड, एसिड माने पित्त, पित्त से 40 प्रकार के रोग होते हैं, वात से आपको 80% रोग होते हैं, और कफ का है 20% रोग, कफ से 20% रोग होते हैं। तो एसिडिटी की वजह से, पित्त की वजह से जो रोग है, ऑटो इम्यून डिसीज जैसे मैंने बताया, जैसे थायराइड है, डायबिटीज है, ये सारे एसिडिटी के रोग है, पित्त की वजह से होते, अल्सर है,
दीपक भाई नीम सबको कैसे आ रहे बता दो, क्योंकि सबको नीम का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, नीम सोचते हैं मोदी के बारे में, रशिया और यूक्रेन के बारे में। देखिए इसके साथ थोड़ा थोड़ा नींद में तो इफेक्ट आने वाला है, मगर इतना है कि आप लोग रात को एक गुनगुना ग्लास पानी बना लो, उसके अंदर में एक चम्मच सूट का पाउडर डाल दो, एक चम्मच आधा चम्मच आप काली मिरी का पाउडर डाल दो, आधा चम्मच आप आंबा हल्दी का पाउडर डाल दो और दो चम्मच गाय का घी डाल दो। रोज रात को आप सोने से पहले आधा एक घंटे पहले पियो, आपको अच्छे से नींद आएगी। पाउडर सब रेडी मिलता है, उसको अलग अलग रखना है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग रखना है, जितना पोर्शन बताया उतना ही लेना है। और इन केस अगर किसी को काली मिरी से अंदर जलन हो रही है, सम ऑफ द पेशेंट्स वो हैविंग अल्सर, तो उनको जलन होगी तो उनको काली मिर्च नहीं डालनी है। एसिडिटी जिन जिनको है उनके लिए सिंपल सॉल्यूशन है, सबसे पहले तो मैंने बताया कि खाना बंद करना जरूरी है। देखो दवाई खाओ तो पेंडी, पेंडी क्या बुरा चीज है, रोज का एक पेंडी ले लो और खाना खाओ मस्त मजे से, तीखा खाओ, फर्मेंटेड खाओ, सब खाओ। मेरे पास ऐसे पेशेंट होने चाहिए कि मैं खाना छोड़ दूं मुझे ठीक कर दो। पेंडी एसिडिटी की दवाई है, पेंडी है, रेंटेक है, जेंटेक है, सारी दवाई जो है वो एसिडिटी की है। डॉक्टर बोलता है रोज सुबह उठ के खा लेने का, बेन मगजमारी नहीं। अभी कितना जीना है आपको, 5-10 साल जियोगे खा पी के ऐस करो, तो आपको वैसा करना है तो आप वैसा करो। अगर उसके लिए बहुत अच्छा प्रयोग है जीरा का पानी, और इसका मैं साथ साथ में ये भी प्रयोग बता देता हूँ जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो बहुत सिंपल सा प्रयोग है। एक गिलास गर्म पानी करो, उसके अंदर 1.25 गिलास पानी लेना है, दिन में 3 बार पीना है। जो लेडीज घर में रहती है अगर वो ताज़ा बना के पिए तो बढ़िया है, या 2 बार भी पिएगी तो भी चलेगा। 2 टीस्पून उसमें डालना है जीरे का पाउडर, 2 टीस्पून डालना है उसमें अपना ये कच्ची सौंफ का पाउडर, और 2 टीस्पून डालना है सूखे धाने का पाउडर। ये जो माप पोर्शन मैंने बताया, या 2 टेबलस्पून कर लो, ये 1.25 लीटर पानी लेना है। 1.25 लीटर पानी में 6 टेबलस्पून इतना इसका डाल के उसको उबाल लो। इसको उबालने के बाद 1 लीटर जब होगा उतार लो। पूरे दिन में 1-1 गिलास करके 4 गिलास आप 1 महीना पियो, आप में देखो कितना फर्क आता है। आपका स्टमक भी क्लियर होगा, और जो आपके शरीर के अंदर में जिसको हम लोग तजा गर्मी बोलते हैं, अंदरूनी गर्मी बोलते हैं, वो सारी निकल जाएगी। मगर जो यंग लेडीज है, जो टाइम में बैठती है, जिसको आप मेंसिस में बोलते हैं, उन लोगों को सिर्फ ये प्रयोग 1 महीना ही करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, इतना ठंडा है कि उनका जो डेट ऑफ साइकिल है वो आगे पीछे हो जाएगा। तो अपने को वो रिस्क नहीं लेना है, अपना मकसद है कि अपनी बॉडी से एसिडिटी गायब करना। अगर परहेज करोगे और ये प्रयोग आप 1 महीना करोगे तो बहुत अच्छा है। और अगर जिसको जो आपकी एज के हैं, आप दिन में 2 गिलास पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आपका स्टमक इतना अच्छे से क्लियर होगा कि आपको न पित होगा, न वात होगा, न कुछ होगा। और रात को मैंने लुकोम वाटर में जो बोला है, जैसे मैंने बोला आपको करना जरूरी नहीं है, हर एक का बॉडी अलग अलग है, हर एक का बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्स देता है। तो जैसे ड्राई जिंजर है, ड्राई जिंजर बोलेगा तो जो अदरक का पाउडर है, अदरक कभी भी गर्म नहीं है। काफ़ी लोगों को मालूम नहीं होगा, काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं अरे गर्म तो नहीं पड़ेगा, गर्म नहीं है। काली मिर्च गरम नहीं है,
हाँ हल्दी गर्म है मगर वो एंटीसेप्टिक है एंटीबायोटिक है, अगर आपकी बॉडी को सूट कर गई तो जो हिमालय की जो संजीवनी बुट्टी बोलते हैं ये आज के युग की हल्दी जो है वो संजीवनी है, ब्लड प्यूरीफायर है, लीवर टोनिफिकेशन करती है, पेनक्रियास टोनिफिकेशन करती है, आपका ब्लड प्यूरीफाई होने से हार्ट टोनिफिकेशन होता है। तो हल्दी जिसको नहीं सूट हो रही है स्टार्टिंग में हाफ टी स्पून, तो डरे नहीं, उनको 1/4 टी स्पून से शुरू करो। जैसे हम लोग दारू पीते हैं तो पहले एक गिलास पीते हैं तो बोलता है भैया अरे भाई तू 30 ml पी, अब वो बंदा पी रहा है पूरा कम्बा। तो बॉडी को सूट करने में समय लगेगा, वैसे आपकी बॉडी को सूट हो जाएगा फिर आप आधा चम्मच ली। अजय हंसते रहा है, हंसता क्यों ये बात सुन के? दारू दारू तो एक दिन समझिए कि आप सुबह उठते हो और रात को सोने से पहले जो हल्दी सूट का बोला या शाम को 5 बजे पी लो, रात को नहीं पीना है क्योंकि उससे आपका यूरिन फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा। तो ये उम्र में घड़ी घड़ी आपको यूरिन जाना पड़े तो शाम को 4-5 बजे के पहले ख़त्म कर दो। हाँ सुबह उठ के और दिन में शाम को 4-5 बजे। सर साइटी का क्यों होता है और उसका उपाय? साइटिका देखिए ड्यू टू होता है, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ आर्थराइटिकल पेन। साइटिका का हमारे यहाँ पे 3 जंक्शन होता है, 1, 2 और ये 3। ये जो 3 पॉइंट है हमारे साइटिका का मेन जंक्शन है, यहाँ से हमारे को क्रॉस कनेक्शन होता है, लेफ्ट का राइट में जाता है, राइट का लेफ्ट में जाता है। जो स्पोंडिलाइटिस भी होता है तो डॉक्टर फिजियोथेरापी सिर्फ इधर का आपको बताएंगे, मगर उसका बटन होता है पैर के अंदर, जब तक वो नर्व्स नहीं खोलते तब तक आपको सर्वाइकल ठीक नहीं होता, आपको रिलीफ होगा 2-3 महीना अच्छा लगेगा, वापस आपको फिजियो के पास जाना ही पड़ेगा, मगर वो लोग आपको नहीं बताएंगे। साइटिका का नर्व्स होता है हमारे पैर से शुरू होता है, जिन जिनको साइटिका आता है अगर लंबे टाइम तक रहा तो उसको ऊपर पकड़ ही लेता है, किसी को पहले सर्वाइकल होता है फिर नीचे उतरता है, किसी को पैर से ऊपर चढ़ता है फिर ऊपर जाता है, माने साइटिका का जो नर्व्स है वो पूरा नीचे से लेके ब्रेन तक सिंगल नर्व्स जाता है, जिसे साइंस में गुजराती में बोलते जीवादोरी, वो जीवादोरी हमारी दोनों पैर से निकलती है। वो होता इसीलिए है क्योंकि आर्थराइटिकल पेन है, वात जो होती है यहाँ पे भर जाता है, ये स्टीफ हो जाता है, हमें पता नहीं चलता है। अभी जैसे लेडीज है वो लोग क्रॉस लेग बैठते हैं, क्रॉस लेग में क्या होता है राइट लेग के अंदर में कप मसल्स के नीचे का जो पार्ट है पीछे में वहां पे क्रॉस कनेक्शन होता है नर्व्स का, उस वक्त ब्लड का सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, जब ये क्रॉस में जाता है ना, अपने को भी होता है सबको होता है। अभी आप जो आप जैसे इस तरह से बैठे 1.5 घंटा बैठे 1 घंटा बैठे तो यहाँ का जो नर्व है वो दबती है, आपका पोस्चर जो है वही की पोजीशन में है, तो उसकी वजह से क्या होता है जब समझिए बहन 1 घंटे से ऐसे बैठेगी तो जब उठेगी तब वो चल नहीं पाएगी, वो ऐसे खड़ी रहेगी, फिर धीरे 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 ऐसा होगी चलेगी 5-6 स्टेप चलेगी फिर वो नॉर्मल हो जाएगी, और उसी की वजह से जो स्टिफनेस होती है वो धीरे धीरे खराब होती है और वहाँ पर अपने को साइटिका का जो नर्व्स होता है वो पकड़ लेता है। ये जो पोर्शन है ये इतना जो पोर्शन है ये पकड़ता है, जो डिस्क अपनी है जो जेल बनता है वो जेल इधर भी है, जैसे डिस्क यहाँ से बल जो के बाहर आती है वैसे यहाँ से भी बाहर आती है, जब स्टीव हो जाता है जब सूजन आ जाती है अंदर तो वहाँ से बाहर आता है, फिर होता है नर्व्स कंप्रेशन, वहाँ पे नर्व्स बूतती नहीं है, आपको कमर का दर्द शुरू हो जाता है और वो कमर का दर्द में धीरे धीरे स्पाइनल कोड का जो L1 से लेके L5 का पोर्शन है
उसमें डिस्क बल जो के बाहर आ जाती है। उपाय बहुत सिंपल है, जो मैंने खानपान बताया, एक्सरसाइज करो आप रेगुलर, पानी ज़्यादा पियो। पानी ज़्यादा पीने से एक बेनिफिट ये भी है कि आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट करने में अच्छा रहेगा। खाली इतना ध्यान रखना है कब पानी पीना है कब नहीं पीना है। पानी तब नहीं पीना है, खाना खाने का टाइम फिक्स कर लो कि मैं 11 बजे खाना खाता हूँ रोज, तो 10 बजे के बाद पानी नहीं पीना है। 10 से लेके 12 बजे तक डोंट ड्रिंक, नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। आप बटर मिल्क पी सकते हो, गर्म पानी में नींबू डाल के पी सकते हो, मगर सादा पानी नहीं पीना, क्योंकि जो सीक्रेट बनता है, अगर एसिड के अंदर हम पानी डाल दें तो आपका एसिड डाइल्यूट हो जाएगा। तो सीक्रेट क्या है? एसिड है। आपने पानी पिया, एसिड डाइल्यूट हो गया, अब आपने खाना खाया तो खाना कौन पचाएगा, कौन डाइजेस्ट करेगा? तो आपको 2 घंटा वो पानी नहीं पीना है। बाकी का जो समय है, मैंने इसीलिए आपको बोला कि 4 घंटा पानी नहीं पीना है, ये 4 घंटा वही है, खाना खाने के आगे पीछे पानी नहीं पीना है, क्योंकि वो आपका जो सीक्रेट है वो डाइल्यूट हो जाएगा, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। और टाइमिंग फिक्स का इसीलिए बता रहा हूँ, पूरा बॉडी ऑटोमाइजेशन है, आपका ब्रेन आपको इंस्ट्रक्शन देगा, लीवर को इंस्ट्रक्शन देता है कि बंदा खाने वाला है। जैसे आपका आपने चाय पीना है, शुगर वाला चाय पिया, तो आपकी पेनक्रियाज को आपका ब्रेन इंस्ट्रक्शन देता है कि इंसुलिन बनाना पड़ेगा भाई, ये चाय आ रही है, शक्कर आ रही है अंदर, तो इंसुलिन बनना शुरू करता है ब्रेन सेल्स। जो जितने सारे सेल्स हैं, जो सिपाही है उसको ब्रेन इंस्ट्रक्शन देता है। और जो विटामिन B12 है, ये है वो, जितने भी अपनी बॉडी ऐसे केमिकल फैक्ट्री है, उसे केमिकल को बनाने में लीवर और किडनी का बड़ा रोल है। तो आप ऑटोमेटिक जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, उसको प्रॉपर करिए, तो ऑटोमेटिक सब चलता रहेगा। तो आपको बेनिफिट ये होगा कि भाई आपको दवाई नहीं खानी पड़ेगी, आप स्वस्थ और मस्त रहेंगे। चलो दीपक भाई के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि हम लोग सब हेल्थ कॉन्शियस है और इसके लिए हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम रखा था। जरा कोकिला बहन, इसके लिए हमने हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम रखा था, उसने काफ़ी चीज़ बताई, मगर ये जो है अभी कंप्लीट नहीं होता है। दीपक भाई जब भी मैं बुलाऊंगा तभी ना भी नहीं बोलेंगे आने के लिए, तो जरूर वापस उसको बुलाएंगे, मगर जरा जोरदार तालियां हो जाए, उसके लिए एक्सरसाइज होती है, उसके लिए सम्मान होता है। अभी जो ये प्रोग्राम कंप्लीट तो हो गया है, अभी मैं अभी मैं कल की बात कर रहा हूँ, कल जो कल का प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, कल जो प्रोग्राम है वो धूपछाव गार्डन में है, वो नवरात्रि अभी आज से स्टार्ट बोलता हूँ, धूपछाव में रखा है, वहाँ 6:30 बजे आ जाने की रिक्वेस्ट करता हूँ। गजेंद्र भाटी जो फिल्म में भी जाना जाते हैं, बाकी गेस्ट चार्जेस के लिए ₹60 रखा हुआ है, ऐसा ही आज जो गेस्ट आए उसको रिक्वेस्ट है कि उसके लिए ₹50 है। बाकी प्रोग्राम तो दीपक भाई फ्री दे रहे हैं, मगर वल्लभ भाई का कारण ये जो है वो आज का प्रोग्राम उसने स्पॉन्सर किया, तो वल्लभ भाई के लिए भी जरा जोरदार तालियां जो है। हेलो, अम्बे मात की जय। आज गुड़ी पड़ो का दिन है, सबको मैं हृदय पूर्वक शुभेच्छा देता हूँ, और 2 मिनट के लिए मैं आपको थोड़ा सम्मान सब कर रहा है, क्योंकि दीपक भाई आज भाई ने अच्छी तरह से जानकारी दिया है। खूब खूब धन्यवाद प्रदीप भाई, खूब खूब धन्यवाद दीपक भाई, खूब खूब धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आभार, कोई ने कहीं भी प्रॉब्लम हो
મેં તમને ઘણું બધું વિસ્તૃતમાં ટૂંકાણમાં પણ ઘણું બધું મેં સમજાવ્યું છે. મેં શોર્ટ મેં આપકો કાફી કુછ સમજાયા હૈ. બેઝ હોતા હૈ આયુર્વેદ કફ પિત વાત. આપ અગર ઉસકો સમજ લો ઓર ઉસ હિસાબ સે અપના જીવન વ્યતીત કરો. આપકો ના ડોક્ટર કે પાસ જાના પડેગા ના કિસી કે પાસ જાના પડેગા. ઓર મેરી ભાવના તો યે હૈ કે આપકો અંદર સે યહી ભાવ રખના હૈ કે મુજે સેવા નહીં લેની હૈ. ભગવાન મુજે એહસાસ હૈ મેં લોગો કી સેવા કર સકું. અબે વાત કી જય. તો આપને આપકા હેલ્થ કા ધ્યાન રખો, દૂસરે કી સેવા કી ભાવના રખો, કભી બીમાર હોગે હી નહીં. આજ ગુડી પડવો હૈ સરો. હલો હલો, આજ ગુડી પડ. મેરે પ્યારે જેલ સી મેમ્બર ભાઈઓ ઓર બહેનો, મંચ પર બિરાજમાન શ્રી દીપકભાઈ મોદી સાહેબ, ડોક્ટર સાહેબ તથા એવમ અમારે જેલ સી કે પ્યારે પ્યારે બહેને ઓર ભાઈઓ, સબકો મેરા પ્રણામ પ્રણામ પ્રણામ. આ જેલ સી કી માધ્યમ થે મુજે આપ લોકો કા આશીર્વાદ પ્રાપ્ત હુઆ હૈ. તે બદલ મેં આપકો આભાર વ્યક્ત કરતા હું, તે બદલ આભાર વ્યક્ત કરતા હું. જેલ સી કી આન બાન ઓર શાન, જેલ સી કી આન બાન ઓર શાન હમારે દિલ મેં હમેશા રહેગી. મોદી સાહેબ કા જહેમત ઓર સબકા સાથ સબકા પ્યાર હમારે દિલ મેં હમેશા ગુંજતા રહેગા. ગર્વ હૈ હમે, હમે ગર્વ હૈ કે હમ જેએલસી કે મેમ્બર હૈ. હમે ગર્વ હૈ હમ જિસ દેશ કે વાસી હૈ. હમારે દેશ કે શાંતિ અમન હૈ વહી દેશ કે હમ દેશવાસી હૈ. હમે ગર્વ હૈ કે હમ જેએલસી કે પરિવાર હમેશા હસતા રહે, હસાવતા રહે, સબકો હસાવતા રહે, એન્જોય કરતા રહે, એવી હૃદયપૂર્વક શુભેચ્છા વ્યક્ત કરતા હું. ધન્યવાદ સબકો, ધન્યવાદ. જય માતાજી, જય માતાજી, જય માતાજી. કલ કા જરા વાત સુના, દેવ ને જે વાત કરી હોય પેલા કરી લો, તો કમ્પ્લીટ કરી લો વાત. ભરતભાઈ આવી જાઓ, કમ્પ્લીટ કરી લો. કારણ કે અમે બીજાને ડિસ્ટર્બ થાય છે, વાત પછી થશે. ફોન ફ્રી છે જીઓ વાળાની મહેરબાની થી. અહીંયા આગળ વાત કરો, બીજાને અમને સરી ડિસ્ટર્બ થાય છે. ધ્યાન આપણું ત્યાં જ જાય કોઈ પણ વાત કરતું હોય. અભી જો કલ જરા પ્લીઝ, કલ કા હી બાત કર રહા હું. કલ જો હમ લોગ મહારાષ્ટ્ર મેં રહેતે હૈ તો જો ડ્રેસ કોડ હૈ, અગર જો લોગ નવવારી સાડી પહેન કે આ સકતે હૈ તો અચ્છા હૈ. પંકજભાઈ ફેટા ભી હોય તો લગે લેકે આનો. ચાલો થઈ ગયો સર. ये ड्रेस कोड इसलिए बोला कि याद रहे आपको, नौवारी का खर्चा है जेल से दे देगा, मगर ले लेना. आपके पास तो बहुत. वागेश्वरी मात की जय. अभी डॉक्टर साहब भगवान का सम्मान करो, बापू हमारा नहीं, माता जी का सम्मान करो. वागेश्वरी मात की जय. आज आपका बर्थडे. वाह वाह, हैप्पी बर्थडे. थैंक यू, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. ડોક્ટર સાહેબ કા જવાબ નહીં હૈ, અમારે જેએલસી કા હીરો હૈ, હીરો ડોક્ટર સાહેબ, ડોક્ટર સાહેબ હૈ, સબકી સેવા કરતે હૈ, એન્જોય કરાતા હૈ. ઓર ભરતભાઈ બાતે સે બાત કરતે રહેગે, હમારા ટાઈમ ઓ હો જાતા હૈ. હેપી બર્થડે, હેપી બર્થડે, હેપી બર્થડે, હેપી બર્થડે, હેપી બર્થડે. દ્વારકાધીશ કી જય. વાગેશ્વરી માત કી જય. સબકો મેરા પ્રણામ, સબકા સબકા આશીર્વાદ હમારે સાથ રહેગા, વહી હમ સાથતે હૈ. જય હિન્દ, જય માતાજી. અભી નાસ્તા કી તૈયારી હો રહી હૈ ઓર મ્યુઝિક વગાડો ઓર ડાયલોગ. હા હા, એ કૃષ્ણ ભગવાન નું કહી દો. કૃષ્ણ ભગવાન ગાયલો ગોકુળ મથુરામાં 11 વર્ષ ને 52 દિવસ રહ્યા.
11 वर्ष ने 52 दिवस गोकुळ मार्या पछी मथुरा मां गया। मथुरा मां कंसना वध करी अने भगवान थोड़ो टाइम त्यां रह्या पछी द्वारका गया। ए तो आप बधा आपणे जाणीए छीए। પણ એક દિવસ ભગવાનની જાહો જલાલ કેવી હતી, હા 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 હા, એ તો રજવાડું ભગવાન, અને ભગવાન સોનાની દ્વારકા નગરીમાં ભગવાન બિરાજમાન હતા ત્યારે એને ઓચિંતાનું ગોકુળ યાદ આવે છે, યશોદા મૈયા નંદ રાજા એમને યાદ આવે છે, સુરેશભાઈ ભગવાનને યાદ આવે છે, ઉમેદભાઈ તો ભગવાન એકલા એકલા કે છે અને આંસુ સારવા મળ્યા, નંદ રાજા ને માતા યશોદાજી સાંભળે એ મમતાની મૂર્તિ મારી લઈ ગઈ ગોકુળમાં, મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં, નંદ બાવાની માતા યશોદાજી સામે એ મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં, સોના ચાંદીના યહાં એ વાસણ મજાના, સોના ચાંદીના યહાં એ વાસણ મજાના, એ કાસાની થારી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં, એક કાસાની થાળી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં, નંદ રાજાની માતા યશોદાજી સામે મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં, મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં, 56 ભોગ મને ધરતા સબ શિષ્યો, 56 ભોગના ભોજન ધરતા એ માખણ ને મિશ્રી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં, માખણ ને મિશ્રી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં, બોલ કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી। હવે એન્જોય કે લીએ એક ગીત હો જાય, જસવંતભાઈ।